आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स बस के इस चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी बात करा था, इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी नेटवर्थ के बारे में। तो आज मैं राहुल लेके आ गया हूँ एक ऐसी वीडियो राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद सिराज के बारे में। जी हाँ, मोहम्मद सिराज के बारे में हम बात करेंगे, उनकी नेटवर्थ कितनी है, कितना वो कमाते हैं, कहाँ कहाँ से उनकी इनकम है वो जनरेट होती है। तो सिराज के बारे में बात कर लें अगर, तो उनकी टोटल जो नेटवर्थ अभी निकल के आती है वो 48 करोड़ की नेटवर्थ उनकी ओवरऑल है। यहाँ पे आईपीएल से जो उनकी सैलरी जनरेट होती है वो तकरीबन 7 करोड़ की है। 2017 से लेकर 2021 तक अगर लगाया जाए तो आरसीबी में थे वो, आरसीबी ने उन्हें रिटेन किया था। 2017 से 2021 में उन्होंने 2.6 करोड़ रुपए पर सीजन यहाँ पे कमाए थे। इस सीजन में आरसीबी ने उन्हें रिटेन किया था, 7 करोड़ उनकी सैलरी थी, जो पर सीजन की सैलरी होती है 7 करोड़ थी। अगर और भी चीजों के बारे में बात की जाए तो रेट बी के अकॉर्डिंग बीसीसीआई का जो कॉन्ट्रैक्ट आता है उसमें सिराज को मिलते हैं तकरीबन 3 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे उनकी सैलरी का जो था वो ब्रेकडाउन था, कहाँ कहाँ से उनकी इनकम जनरेट होती है। अभी हाल फिलहाल में जब आईपीएल चल रहा था तो सिराज ने पूरी आरसीबी टीम को अपने नए घर में इनवाइट किया था। उस नए घर की वैल्यू अभी तक तो किसी को पता नहीं है, पब्लिकली वो वैल्यू अभी तक आई नहीं है, मगर वो घर पिक्चर्स में अगर देखा जाए, सोशल मीडिया में जो पिक्चर्स अपलोड की गई थी, तो बहुत ही आलीशान नजर आ रहा है। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए सिराज के बारे में, तो यहाँ तक मैंने बता दिया आपको कि कितना वो आईपीएल से अर्न करते हैं। यहाँ पे अगर बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा तोड़ा जाए तो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ग्रेड बी में आते हैं 3 करोड़ रुपए उन्हें एनुअल सैलरी मिलती है, जिसमें से टेस्ट, ओडीआई और आपका टी20 इसमें अलग अलग है। मैच फीस के बारे में बात की जाए तो टेस्ट में उन्हें तकरीबन 15 लाख रुपए पर मैच के हिसाब से मिलते हैं, ओडीआई में बात की जाए तो 6 लाख रुपए पर मैच के हिसाब से मिलते हैं, और टी20 में अगर बात की जाए तो 3 लाख रुपए उन्हें पर मैच के हिसाब से यहाँ पे मिलते हैं। तकरीबन अभी थोड़े हाल फिलहाल पहले सिराज जो थे नंबर वन ओडीआई बॉलर थे, और इसके बारे में सिराज को पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा ये सपना देखता था कि मैं वहाँ टॉप पे आऊँगा, और फिलहाल उन्होंने ये जो मुकाम था वो हासिल कर लिया था। तो आप जरूर बताइएगा कि सिराज के बारे में, मोहम्मद सिराज के बारे में ये जो वीडियो है ये कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी आप सभी के लिए, कितना ज़्यादा आपको पता चला, और कुछ ऐसी बातें जो आपको और ज़्यादा पता है तो आप नीचे कमेंट में टाइप करके हमें भी वो बातें बता सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप भी अपना ज्ञान बढ़ाइए, हमें भी अपना ज्ञान बढ़ाने का मौका दीजिए, और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए, और जब भी हम आएंगे तो बेल आइकॉन बजा के रखिएगा ताकि जब भी हम आए तो आपको पता चले। ये वीडियो को करिएगा लाइक अगर वीडियो पसंद आती है तो, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने क्रिकेट वाले दोस्तों के साथ, जिनके साथ आप गली क्रिकेट खेलते हैं, ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, जिनके साथ भी खेलते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और ये तो रही सारी बातें, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे और भी इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी नेटवर्क के बारे में। तो तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स पास।